हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉर्निक बॉय। फाइनली गाइस, आप लोगों के सपोर्ट के कारण हमारा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, जिसके लिए मैं आप सबों को दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। तो वीडियो के थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि आज मैं 1K सब्सक्राइबर तक का सारा ड्राइंग, जैसे कि फ्री फायर ड्राइंग, फ्री फायर कॉस्ट्यूम ड्राइंग और मेरे द्वारा बनाया गया बहुत सारा फेस स्केच मैं आज आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। तो ये रहा हमारा सबसे लेटेस्ट ड्राइंग यूजी का स्किन, और इसका फुल ट्यूटोरियल वीडियो चैनल में अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और नेक्स्ट है इसके बाद डबल वेक्टर की स्किन, एक फायर एक कूल। और नेक्स्ट ये रहा बनी MP40 की स्किन। ये फ्री फायर का सबसे रेयर स्किन में से एक है, मेरे पास तो नहीं है इसलिए मैंने इनका ड्रॉइंग बना डाला। और नेक्स्ट ये रहा गोल्डन M187 की स्किन। ये अभी तक तो फ्री फायर में आया हुआ नहीं है, लेकिन मैंने इसका अपडेट पहले से यूट्यूब में देखा हुआ था तो मैंने इसका ड्रॉइंग बना दिया। और नेक्स्ट है ये इंक्यूबेटर पोकर MP40 का टॉप 1 स्किन, जिसको कौन नहीं जानता। और इसके बाद M187 का एक अनदर स्किन। और इसके बाद ईवो XM8 का ये स्किन। नेक्स्ट है BGMI का AWM का स्किन, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने डिमांड किया था बनाने के लिए। आप लोगों को भी अगर किसी गन स्किन का बनवाने का डिमांड हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की डिमांड को पूरा करने का। और इसके बाद P90 का इंक्यूबेटर का टॉप 1 स्किन, देखने में कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं। और इसके बाद ये रहा वेपन रॉयल का ग्रोजा का स्किन। इसके एनिमेशन वाला इफेक्ट जो कि देखने में बहुत कूल लग रहा है। इसके बाद है इंक्यूबेटर का है MP5 का स्किन, ये सबसे पहला नंबर वाला है, आप लोग इसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद ये थॉमसन का स्किन, इसकी डिटेलिंग को आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और इसके बाद न्यू ईयर MP40 का ये स्किन, ये मैंने बहुत पहले ही बनाया हुआ था। और इस गन स्किन के ड्राइंग ने मेरे चैनल के ग्रोथ में बहुत हेल्प किया है। इसके वीडियो में 2.5 लाख से ज्यादा व्यू गया हुआ है, जो कि मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद UMP का ये वेपन रॉयल का स्किन, बहुत पहले का है। और ये रहा हमारा आप लोगों का ड्रैगन स्किन, कैसा लग रहा है जरूर बताएं कमेंट में। और इसके बाद यूनिकॉर्न AK का मिक्सअप, मैंने यूनिकॉर्न AK के चारों गनों को एक साथ जोड़कर बनाया हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रेड वाला, ब्लू, फिर गोल्डन और लास्ट में ये। और फाइनली उसी के जैसा एक और पोकर MP40 का, क्योंकि मैंने चारों को जोड़कर बनाया हुआ हूँ, टॉप 1, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और फ्री फायर के कॉस्ट्यूम ड्राइंग में ये पहला ड्राइंग आर्कटिक ब्लू एंड आर्कटिक रेड, आर्कटिक रेड जो कि इंक्यूबेटर में आया हुआ था और ये डायमंड रॉयल में आया हुआ था। ये मेरा पर्सनली बहुत अच्छा ड्राइंग है, ये मेरा फेवरेट ड्राइंग में से एक है। इसके बाद ये जोकर ड्राइंग जो कि इंक्यूबेटर में आया हुआ था, सबसे फर्स्ट वाला है। लोकेश गेमर का ड्रेस और साथ में डायमंड रॉयल का ये। इसके बाद इंक्यूबेटर का एक और कॉस्ट्यूम, ये बहुत रेयर है और बहुत फेमस भी, देखने में कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं आप लोग। इसके बाद ये मेरा बहुत पहले का ड्राइंग सब है, आप लोग देख सकते हैं इसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं इस सभी ड्राइंग में, और मैं धीरे धीरे इंप्रूव करने का कोशिश कर रहा हूँ, किया भी है मैंने पहले से। उसके बाद ये हैकर। जब मैं बिगिनर था तो ऐसा ड्राइंग बनाया करता था, और कॉर्निक बॉय चैनल में सबसे फर्स्ट वीडियो इसी ड्राइंग पर बना हुआ है। ऐसे पेजों पर मैं प्रैक्टिस किया करता हूँ, ये पेज थोड़ा लो क्वालिटी का है। और ये सेकंड ड्राइंग था, थर्ड ड्राइंग जिसमें मैंने 4-5 इमोजी जोड़कर बनाया हुआ हूँ। इसके बाद एक पोकेमॉन बल्बासौर का, जिसका फुल ट्यूटोरियल वीडियो भी चैनल पर अपलोड किया गया था। इसके बाद ये कुछ गन स्किन, इसके बाद मैं कुछ फेस स्केच का प्रैक्टिस भी ऐसी पेजों पर किया करता हूँ। ये रहा हमारा सबसे रिसेंट फेस स्केच है,
ये एक कमीशन वर्क भी था। बेसिकली मैं कमीशन वर्क आइवोरी सीट में किया करता हूँ। और इसके बाद अक्षय कुमार जी का विलन रोल, इसका फेस स्केच में बस प्रैक्टिस के लिए किया था, राजीव दीक्षित जी। और ये सभी मेरे फ्रेंड्स सब हैं, इसका फेस स्केच में बस प्रैक्टिस के लिए किया करता था। अब तो मैं बस कमीशन वर्क करता हूँ। ये सभी मेरे फ्रेंड्स सब हैं जिसका मैं फेस स्केच बिगिनिंग में किया करता था। FFK ये हमारे गिल्ड का नाम है, FF नाइट इसका पूरा नाम है, क्योंकि 17 लाख ग्लोरी का गिल्ड है। मैं इसका लीडर भी हूँ। जिसको भी गिल्ड में आना हो वो रिक्वेस्ट कर सकता है, मैं गिल्ड आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये मेरा इनकम्प्लीट ड्राइंग है, कंप्लीट होते मैं इसको भी अपलोड कर दूंगा। उसके बाद ये है क्रिमिनल, ऑल क्रिमिनल इन वन फ्रेम। ये मेरा आने वाला लेटेस्ट सबसे अच्छा ड्राइंग में से एक होगा। तो बेसिकली यही था मेरा 1K सब्सक्राइबर तक का सारा ड्राइंग। अगर वीडियो अच्छा लगे और ड्राइंग सभी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।